हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे डॉग्स को नॉर्मली होती हैं और कैसे हम इन्हें घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस ह्यूमंस की तरह काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो डॉग भी फेस करते हैं, लाइक इचिंग, ड्राइनेस या हॉट स्पॉट्स। ये सब इन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देती हैं, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे पास कुछ सिंपल और इफेक्टिव होम रेमेडीज हैं जो आपके डॉग को इन स्किन प्रॉब्लम से फ्री कर सकती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ स्किन प्रॉब्लम्स की जो नॉर्मली हमारे डॉग्स को होते हैं, जैसे कि नंबर 1 इचिंग एंड स्क्रैचिंग, नंबर 2 ड्राई फ्लेकी स्किन, नंबर 3 रेडनेस या रैशेस, नंबर 4 हॉट स्पॉट्स, नंबर 5 हेयर लॉस। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो हमारे डॉग को यूजुअली हो जाती हैं। सो गाइस अगर आपके डॉग को ये प्रॉब्लम हो चुकी हैं तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि हम घर के अंदर ही कैसे अपने डॉग को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले सॉल्यूशन निकालते हैं इचिंग का। इचिंग एक बहुत ही कॉमन इशू होता है डॉग्स के अंदर। मोस्टली डॉग्स को इचिंग का इशू रहता है, भले आप उसको नहला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन इचिंग वो करता रहेगा। जिन डॉग्स में ये प्रॉब्लम होती है उसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, वो है ओटमील बात। अब आप बोलोगे यार ये कैसी अजीब सी बात है, ओटमील बात रेसिपी, ये क्या चीज है? भाई मैं आपको बता दूं, देखो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है डॉग को इचिंग से रिलीफ देने का। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कप प्लेन अनफ्लेवर्ड ओटमील लेना है और उसके साथ आपने वार्म वाटर लेना है। सो गाइस आपने क्या करना है, ओटमील को फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेना है और वार्म वाटर को टब में डाल देना है। अपने डॉग को इस बाथ के अंदर आपने 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके रखना है, लेकिन उसका फेस बार रखिएगा। ओटमील के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इचिंग को कम करती हैं। ध्यान रखना पानी ज्यादा गर्म ना हो और ओटमील मिक्सचर को अपने डॉग के फर में जेंटली मसाज करें। सो गाइस 10 से 15 मिनट के बाद अपने डॉग को नहलाने के बाद आपने उसको पूरी तरीके से टॉवल के साथ सोक करना है। उसके बाद अगला रेमेडी है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ड्राई और फ्लेकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत मदद करता है, और अगर आपके डॉग को कोई माइनर कट है, कोई छोटे मोटे जख्म है, तो वो भी उससे ठीक हो जाएंगे। बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है, अपने हाथों में रब करके वार्म कर ले और फिर जेंटली डॉग की स्किन पे मसाज कर ले, स्पेशली ड्राई एरियाज पर। आपके पपी को या आपके डॉग को ये एक्स्ट्रा अटेंशन बहुत पसंद आएगी और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस अब बात करते हैं रेडनेस और रैशेस के लिए क्या करें। तो भाई उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है एलोवेरा। एलोवेरा एक मिरेकल होता है डॉग के लिए, उसकी रेडनेस और रैशेस की प्रॉब्लम के लिए। आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट लीव से भी एलोवेरा जेल ले सकते हो अगर आपके घर में है तो, अदरवाइज स्टोर से जेल ले सकते हो। बस मेक श्योर करना कि वो 100% प्योर हो बिना किसी केमिकल के। इफेक्टेड एरिया पर आपने एलोवेरा जेल दिन में 2 बार लगानी है। एलोवेरा में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल और सूथिंग प्रॉपर्टीज होती है जो इरिटेटेड स्किन को काम करने में बहुत हेल्प करती है। सो गाइस एक चीज याद रखना, ये होम रेमेडीज काफी इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन अपने डॉग की स्किन पर नजर रखें। अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है और बढ़ती जा रही है तो जरूर अपने वेट से कंसल्ट करें। और ये रहा आपके लिए सिंपल नेचुरल वेज टू हेल्प योर फरी फ्रेंड फील बेटर एट होम। सो गाइस ये था कुछ नेचुरल रेमेडीज आपके डॉग की स्किन को परफेक्ट करने के लिए। अगर आपके डॉग के साथ कोई स्किन प्रॉब्लम है तो इन चीजों से वो काफी बेहतर हो सकता है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपके पास कोई ऐसी होम रेमेडी है जिससे डॉग की स्किन काफी बेटर हो सकती है। लव यू ऑल।